दिक्कत के है कि सारा को जो एरियो है वो गलत लिख रखे है, नाम लिखी कौन रखा, किंग नोटिस की नहीं दे गया। डेवलपमेंट चार्ज ठीक है, गवर्नमेंट की एक किस्म का टैक्स है, वह अलग बात है, लेकिन बहुत नजायज बहुत गलत तरीके से लियो जान रहा है। ये किस्म का मैं कुछ कहना नहीं चाहता अपने उसके बारे में, चेयरमैन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम देवीलाल पार्क में पहुंचे हैं, यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं, शहर के बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आने वाला जो चेयरमैन है वो कैसा होना चाहिए। चलिए हम चेयरमैन की बात करें तो किशोर होना चाहिए, बढ़िया पढ़े लिखो जवान लड़को होना चाहिए, काबिल हो गए, जाके लोग काम करवा सके, लोगों ने आईडी जगी है आप बने आज खड़े, मैं बड़ी दिक्कत लग रही है, कहनी राशन कार्ड में दिक्कत है, यह जगह दिक्कत है छोटी जगह, आम जीविका पर असर गिर है और लोगों ने बहुत चक्कर काटना पड़े, बहुत ज़्यादा चक्कर काटना पड़े, वैसे लोग बहुत परेशान है। तो ऐसा लड़कों ऊँची है जो लड़को एक्टिव हो गए, जो लड़को ड्यूटी देवे, आम आदमी की हेल्प करे, मेन बात आई है विकास का ध्यान देवे, सफाई को ध्यान देवे जी। और बड़ा मुद्दा क्या है? इलाहाबाद का तो बड़ा मुद्दा एक तो पानी की समस्या है, जैसे मान लो गलियां भर जाती है पानी की, मेन बाजार है उसके अंदर है, बरसात आने के बाद में आप देखते हो दोनों तरफ से रोड क्लोज हो जाती है, दुकानदार सेटर डाल देते हैं, ये पोजीशन होती है मेन रोड पर। तो कुल मिला के ये समस्याएं हैं, तो ये समस्या जो है ना काफ़ी लंबी टाइम से समस्या चल रही है, इसका निवारण हुआ नहीं है, अभी करना चाहिए। कमेटी मार्ग इसके अंदर म्यूनसिपल कमेटी का ही बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे तो उस चेयरमैन अच्छा हो तो कोशिश करके वो उसका निराकरण कर। चुनाव है नगर पालिका का 19 जून है, तो इलाहाबाद नगर पालिका का निशा के मुद्दा है जिन पर चुनाव लड़ो जरा। ये तो प्रॉपर्टी को जो टैक्स बनाए हुए ना, ये पिछली जो भी पीछे की जो सिस्टम थो उसके हिसाब अनुरूप करना, बिंग अंदर दोनों में डिफरेंट है, आदमी जाओ बटे मतलब 10-10 दिन तक लैंड में लग गए रहा, कोई सुनवाई को नहीं, अब बाद में छोड़ ही दियो भाई साहब, वो प्रॉपर्टी और टैक्स और सारों पहले सही कराओ, उस वो जरूरी है मुद्दा। के दिक्कत आना दिक्कत के है कि सारा को जो एरियो है वो गलत लिख रखे है, नाम लिखी कौन रखा, किंग ओ नोटिस की नहीं दे गया, कोई को नहीं, कोई सुनवाई को नहीं नगर पालिका, किंग की जिम्मेवारी बने वो तो उसको नगर पालिका ही बने भाई साहब, चेयरमैन तो बैठे जे टाइम तक वो जे टाइम सा चेयरमैन कार्यकाल ही पूरा हो गयो चेयरमैन पुराना चेयरमैन को, नहीं तो पुराना चेयरमैन बढ़िया हो फर्स्ट क्लास हो, वो रहते तो इतनी दिक्कत ही को नहीं आती। गलियां देखो खाली आधी नई ईंट की आधी पुरानी ईंट, जिका लीडर आ बंग घर आगे नई ईंट की बनगी, जिका आम आदमी आ बंग घर आगे पुरानी ईंट की बनगी, क्योंकि भाई आपके मतलब लीडर के दम पर मनवाई है। कई बार बन गई, मैं कौन पर मैं मेरी गली की बात करूं, मैंने दूसरी गलियों कोई मतलब को नहीं, मेरी गली मेरे आधी गली पुरानी ईंट की बनी है आधी नई की बनी है, जबकि सरकार पापी सर नई का लेज गया होगा, मैं देखा को नहीं लेज गया होगा, यह नगर पालिका के डेवलपमेंट चार्ज ठीक है, गवर्नमेंट की एक किस्म का टैक्स है, वह अलग बात है, लेकिन बहुत नजायज बहुत गलत तरीके से लियो जान लग रही है, मतलब तो हैवी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए, जितना हैवी प्रॉपर्टी टैक्स है तो अगर माँ सरल तरीको होना चाहिए। पहले क्या था, पहले तो कहते थे कि हाउस टैक्स बकाए आपकी तरफ, तो हाउस टैक्स भरा देते NOC मिल जाती, नो ड्यूज हो जाता वो भी, आपने भरा दिया बढ़िया किया आपने, लेकिन अब तो हालात ही और किस्म के हो गए, 2-2 महीने नो ड्यूज नहीं मिलते जल्दी, क्योंकि प्रक्रिया लंबी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होगी। सुरक्षा का तो ऐसा है जी कि कुछ तो लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट पे अगर सुरक्षा छोड़ दे तो सुरक्षा बन नहीं पाती, सहयोग सबका ही होता है, तो अगर मान लो बच्चे
खुद के बच्चे कंट्रोल में रहेंगे तो असुरक्षा नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का तो ये बनता ही है कि वो लोगों को सुविधा दे, लोगों की बहन बेटियां जाए, उनकी सुरक्षा हो, कहीं खतरा ना हो। आम साधारण बच्ची कहीं भी जा रही है तो उसको ये महसूस ना हो कि तू अनसेफ है, तो होना चाहिए। बढ़िया बात है, अगर करे तो अच्छी बात है। अपना आने वाला चेयरमैन अच्छा होना चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। पिछले चेयरमैन का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। अगर आप बात करें कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, हाँ, तो कई पार्टियां अपना अपना चेयरमैन खड़ा करेगी, तो इस चुनाव में पार्टी मायने रखा या व्यक्ति मायने रखा? व्यक्ति मायने रखा। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन अपने शहर ने की शोक चाहिए, पढ़े लिखे चेयरमैन चाहिए ताकि शहर के हर तरफ काम का ध्यान दे, काम के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए चेयरमैन ने भी किस तरह काम शहर में कराना है और नए काम करा मानो जी। हाँ, थे तो नगर पालिका में भी सेवा दे चुके हो, नौकरी कर रही है। अगर बात कर नगर पालिका में आम आदमी दिक्कत के आओ, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है जी, उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी फ़र्क है। उस टाइम तो मेम्बरों से चेयरमैन बनाया करते, अब सीधा चेयरमैन है, ये बहुत बड़ी बात है। कि ये किस्म का मैं कुछ कहना नहीं चाहता अपने उसके बारे में, चेयरमैन नहीं है ये विधायक होता है किस्म का, ये शहर का ये इलाहाबाद के मुद्दा पर चुनाव लड़ना चाहिए। बस ये साफ सफाई शहर के अंदर और जो दिखते हैं पानी की, गंदे पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की, और ये जिस तरह स्टेडियम वगैरह है शहर में, सुख सुविधा यही चुनाव होते हैं, मुद्दे होते हैं जी। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव के मुद्दा पर लड़ो जाना चाहिए इलाहाबाद। देखो जी, चुनाव के लिए बात ये है कि स्थानीय मुद्दे तो है ही है और साथ में जिला और राज्य स्तर के मुद्दे भी उठाने चाहिए। जैसे स्थानीय स्तर पे एक तो जितने भी चौराहे हैं, मेन सड़कें हैं, बाजार की है, वहाँ अतिक्रमण बहुत है। हर आने जाने वाले टू व्हीलर को बहुत खतरा रहता है मुड़ने में और में। और दूसरी उसके अलावा है कि शहर की व्यवस्था, जैसे शहर की मेन सड़कें हैं उनके अंदर अभी भी पैच वर्क सही ढंग से नहीं किया गया है। जैसे मेन रोड है जो पंचमुखी चौक से टीबी बस स्टैंड की तरफ जाती है, उसके अंदर तारकोल भरा जाना था, जो कि 10 साल निकलने के बाद भी आज तक उस सड़क में रिपेयरिंग नहीं हुई है। उसके अलावा क्या है, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो हमारा राजकीय महाविद्यालय है खारी सुरेरा के अंदर, तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होना चाहिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए, वो बड़ी परेशानी होती है खासकर लड़के लड़कियों को। तो ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं, अभी अच्छा चेयरमैन वही होना चाहिए जो इन सब बातों को साथ लेके चले और इन समस्याओं का समाधान करे। बाइक चोरी बहुत होती है इलाहाबाद शहर में और आज तक कोई पकड़ में भी नहीं आया, तो इसमें कैसे सीसीटीवी वगैरह लगा? अभी ये भी एक मुद्दा है जी भाई का, इन दिनों में खासकर बहुत चोरी हुआ है। हो सकता है कोई राज्य स्तरीय या अंतर्राज्य स्तरीय गिरोह इसमें सक्रिय हो, तो इस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए मेन मेन जगहों पर। ये बहुत बड़ी डिमांड है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये चेयरमैन की क्या गुण? चेयरमैन की बात ये है जी, जो पार्टी से ऊपर उठ के काम करे, युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और जो खास कर युवा वर्ग की समस्याओं को समझे और उसको हल करे। ये थे हमारे साथ इलाहाबाद शहर के लोग जिनसे हमने बातचीत की और स्थानीय मुद्दों पर हमने चर्चाएं की, और जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो डेवलपमेंट टैक्स है उसको लेकर एक बड़ा एक मुद्दा है। लोगों का कहना है कि ये टैक्स जो है गलत तरीके से लिया जाता है, जिसकी प्रक्रिया जो है बहुत ही हार्ड है, मुश्किल है, सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे, सफाई का भी आपको पता है मुद्दा है, एक पानी का निकासी का एक मुद्दा है। इलाहाबाद शहर में 5-6 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लगातार लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं और आगे भी हम आपको सुनाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे और चर्चा करेंगे। हमारा जो एपिसोड आगे आगे बढ़ता जाएगा, तब तक आप ये समाचार देखते रहें।